हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल और चल रहा है आपका चैप्टर 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे, लास्ट पार्ट में हम लोग करके आ रहे थे सीरीज और पैरेलल सर्किट पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जिसकी हमने असाइनमेंट्स भी कराई थी आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए थे। उसके आगे आज हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल। इसमें क्या करने वाले हैं बच्चे, जैसे आपको मालूम है रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। लेकिन जब हम घर पे वायरिंग करते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, एक ही कमरे में कई सारे फैंस, ट्यूबलाइट्स वगैरह हम कनेक्ट करते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या वो हम सीरीज़ में सारे फैंस को और बल्ब्स को लगाते हैं, या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, या इंडिविजुअल कनेक्ट करते हैं? सर्किट में कैसे उसको ज्वाइन करते हैं, सीरीज़ या पैरेलल? आज के क्लास में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। और दोनों सर्किट्स के, सीरीज़ और पैरेलल के, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं फिलहाल। तो बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा, दिवाली पर हम लोग अपने घरों को लाइट से डेकोरेट करते हैं, लड़ियां लगाते हैं लाइट्स की। उसमें आपने देखा होगा जितने भी बल्ब्स होते हैं, आपको क्या लगता है, बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं या पैरेलल में? जनरली सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, तो उसमें कितनी आसानी रहती है, इस तरीके से एक के बाद एक बल्ब्स लगे होते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, और इसको कंट्रोल करने में कितनी आसानी होती है कि एक बार आपने स्विच ऑफ़ किया सारे बल्ब्स ऑफ हो जाएंगे, एक बार स्विच ऑन किया सारे बल्ब्स एक साथ जलने लगते हैं। तो यहाँ पे दिवाली लाइट्स में सीरीज़ में जितने भी बल्ब्स हैं सब सीरीज़ में लगाए जाते हैं, जिसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, और इसका यूज़ भी सेफ है, क्योंकि सीरीज़ में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ओवरऑल करंट कम हो जाता है, तो ये सेफ होता है, बहुत ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं होता। जहाँ पर बेटा इसके सीरीज़ में लगाने के फ़ायदे हैं, वहीं पर इसका एक नुकसान भी है। मान लें बच्चे, अगर यहाँ पे कहीं कोई सर्किट टूट गया या बल्ब ख़राब हो गया, तो ये पूरी की पूरी लाइट्स एक साथ बंद हो जाएंगी। जैसे सोचिए, यहाँ से तार टूट गया, अगर स्विच ऑन है और तार बीच में से टूट गया, तो पूरा सर्किट टूट जाएगा और कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। या बल्ब फ्यूज़ हो गया तो भी सर्किट टूट जाएगा और पूरी की पूरी लाइट्स एक साथ सारी बंद हो जाएंगी। और फिर इसको रिपेयर करना, इसको ये फाइंड आउट करना कि कौन सा बल्ब ख़राब है इतने सारे बल्ब्स में, वो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस केस में हमें एक एक बल्ब को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा कि किस बल्ब में ख़राबी थी। ये बल्ब हटाएंगे, मान लें ये सर्किट बंद हो गया, अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम एक एक बल्ब हटाएंगे, ये वाला बल्ब हटाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, अगर काम करने लगा पूरा सर्किट, इसका मतलब इसी बल्ब में ख़राबी थी। ऐसे ही दूसरे बल्ब को चेक करेंगे, तीसरे बल्ब को चेक करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इस केस में सीरीज़ उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसीलिए कई जगह पैरेलल सर्किट फ़ायदेमंद होता है। इसके अपने फ़ायदे हैं, जो यहाँ पे आप नुकसान देख रहे हैं, वही यहाँ पे पैरेलल में अगर सारे बल्ब्स लगा दें तो इसका फ़ायदा है कि ये एक तो बात ये कि अगर कोई भी बल्ब ऑफ हो जाता है, जैसे मान लीजिए बैटरी हमने लगा रखी है, बैटरी से करंट जा रहा है, सारे बल्ब्स के स्विचेस ऑन हैं, तो सारे बल्ब्स में यहाँ से करंट यहाँ भी जाएगा, सारे बल्ब ग्लो करेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है या किसी भी ब्रांच का सर्किट टूट जाता है, मान लें ये टूट गया, तो करंट इस वाली ब्रांच में नहीं जाएगा, लेकिन बाकियों में तो जाता रहेगा, यहाँ से यहाँ जाता रहेगा। तो ये पैरेलल का फ़ायदा होता है कि अगर एक बल्ब कोई ख़राब हो जाए तो बाकी सारे ग्लो करते रहते हैं। तो सीरीज़ के अपने फ़ायदे हैं, पैरेलल के अपने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग की बात करें, डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक का मतलब हाउस होल्ड सर्किट की बात करें, कि घरों में जितने भी अप्लाइंसेज हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, तो बेटा वो सारे के सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि सीरीज़ के अपने नुकसान हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देख लें, और फिर पैरेलल में लगाने के क्या एडवांटेजेस हैं वो देख लें। सबसे पहली बात कि अगर आप सीरीज़ में लगाते हैं, जितने भी घर के पंखे हैं, एक कमरा है, एक कमरे में तीन पंखे हैं, पांच लाइट्स हैं, मान लें सारे के सारे सीरीज़ में लगा दिए अगर हमने, तो क्या होगा? अगर सीरीज़ में लगा दिए तो ये होगा कि एक बार स्विच ऑन करेंगे, सारे के सारे पंखे और लाइट्स
ग्लो करने लगेंगे लाइट्स और पंखे चलने लगेंगे। ऐसे ही स्विच ऑफ किया तो सारे के सारे एक साथ ऑफ हो जाएंगे, इंडिविजुअली हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बोले सर एक स्विच की जगह अलग अलग स्विचेस लगा दीजिए, सर यहाँ अलग स्विच लगा दीजिए, यहाँ अलग स्विच लगा दीजिए, यहाँ अलग स्विच लगा दीजिए, बेटा तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई भी एक स्विच ऑफ कर दिया, ये सारे स्विचेस ऑन हैं लेकिन एक स्विच ऑफ कर दिया तो सर्किट टूट जाएगा और सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, इसलिए सीरीज में नहीं लगाए जाते। दूसरी बात, अगर एक भी इसमें से ब्लो ऑफ हो गया तो सर्किट टूट जाएगा, एक भी डिवाइस ख़राब हो गया सर्किट टूट जाएगा और सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। तीसरा बेटा ये कि सीरीज़ में लगाने से क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपको मालूम है R1, R2, R3 अगर सीरीज़ में लगा दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऐड होके R1, R2 प्लस R3 हो जाता है, बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से सर्किट में करंट कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो ईच बल्ब है वो इतना ज़्यादा ब्राइटली ग्लो नहीं कर पाएगा, और तो और सीरीज़ में वोल्टेज भी डिवाइड हो जाता है। आपने पढ़ा है जैसे ये इस तरीके से मान लें दो रजिस्टर्स हैं, अगर हमने इसे 10 वोल्ट से लगाया, 10 वोल्ट से अप्लाई की तो मान लें दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये जो 10 वोल्ट है पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, 5 वोल्ट इधर चला जाएगा, 5 वोल्ट इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज कम होने की वजह से भी जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो ये बेटा चार इसके सीरीज सर्किट के डोमेस्टिक में डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से जितने भी अप्लाइंसेज हैं डोमेस्टिक में वो सीरीज़ में ज्वाइन नहीं किए जाते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अगली स्क्रीन पे, ये आप सारे नोट कर सकते हैं। तो बेटा ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। अभी हम बात करें पैरेलल की, कि पैरेलल के क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए बच्चे पैरेलल के ये एडवांटेजेस हैं, एक तो ये मैंने अभी बताया कि पैरेलल में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं अगर एक कोई भी इसमें से डिवाइस काम करना बंद कर दिया उसने, जैसे बल्ब लगे हैं वो ब्लो ऑफ हो गया या डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मान लें ये वाला प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ये टूट गया, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बैटरी से इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा लेकिन बाकियों में तो जाता रहेगा, जिसकी वजह से बाकी सारे डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। तो एक तो इसकी एडवांटेज ये, दूसरी एडवांटेज ये कि इसमें इंडिविजुअल स्विचेस होते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिवाइस को आप इंडिविजुअली सेपरेटली आप ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं चारों बल्ब ऑन करना तो आप चारों के स्विचेस ऑन कर देंगे, चारों जलने लगेंगे। आप चाहते हैं कि ये वाला बल्ब ना जले तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं हर डिवाइस को, जो सीरीज में नहीं कर सकते थे। और तो और तीसरी इसकी एडवांटेज ये है कि मान लें घरों में जैसे 220 वोल्ट की सप्लाई आती है तो पैरेलल में जितने भी अप्लाइंसेस लगा रखे हैं वो सारे के सारे पैरेलल में होने की वजह से सबका क्या सेम होगा, करंट सेम होता है पैरेलल में या पोटेंशियल डिफरेंस? जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, जिसकी वजह से ईच अप्लाइंस विल गेट सेम पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट, जिसकी वजह से सारे अप्लाइंसेज प्रॉपरली वर्क करेंगे सेम वोल्टेज पे जितना उन्हें वोल्टेज चाहिए था। और एक बात ये इसमें कि आपको मालूम है जब हम रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप सोचिए रुकावट कम हो जाएगी ओवरऑल, तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिवाइस अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये इसकी चार एडवांटेजेस हैं जो अगली स्क्रीन पे मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चे ये आज का छोटा सा टॉपिक था, एक नंबर दो नंबर में बोर्ड्स में ये पूछे जा सकते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आप लिखेंगे। आज के लिए इतना, अगले टॉपिक में हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।